Assalamualaikum and welcome to Technical Yasin Zaman Tech YouTube channel. हम मैशी की तरह मोस्ट इन्फॉर्मेटिव और ऑनलाइन वीडियो लाता रहता हूँ। आज की वीडियो में मैंने आप दोस्तों के लिए एक ऐसा बेहतरीन ट्रिक लेकर आया है जिससे आप दोस्त चौंक जाएंगे। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे मैसेंजर से हम कैसे किसी भी डिलीटेड मैसेज को वापस ला सकते हैं, कैसे रिकवरी कर सकते हैं डिलीटेड मैसेज की, वह भी मैसेंजर के। आमतौर पर हम व्हाट्सएप के बारे में सुनते हैं कि हम कैसे इससे डिलीटेड मैसेज वापस ला सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप दोस्तों को ये सिखाऊँ कि आप कैसे मैसेंजर से डिलीटेड की हुई मैसेज को रिकवर कैसे कर सकते हैं, वह बिना किसी ऐप के, वह भी आप सिंपली मैसेंजर के सेटिंग में जाकर आप ये सेटिंग कर सकते हैं और आप मैसेंजर के डिलीटेड की हुई मैसेज को, फोटोज़ को, किसी भी चीज़ को जो आपने मैसेंजर में डिलीट किए हैं वह आप वापस ला सकते हैं बिल्कुल सिंपली मैसेंजर के सेटिंग में, फेसबुक के सेटिंग में हमने ये सब करना है। तो चलते हैं स्क्रीन के पेज पर और ये ट्रिक सीखते हैं कि हम कैसे मैसेंजर के डिलीटेड की हुई मैसेज को वापस ला सकते हैं। सो लेट्स गो टू द ऑन स्क्रीन एंड लर्न दिस मेथड दैट हाउ टू सीन द डिलीटेड मैसेज ऑन मैसेंजर। तो जी नाज़रीन, इसके लिए आप दोस्तों ने जाना है फेसबुक पर और इस तीन डॉट पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर आपने क्लिक करना है और फिर सेटिंग पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें आप दोस्तों को एक ऑप्शन मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। आपने क्या करना है, इस पर आपने क्लिक करना है, थोड़ा वेट करना है। जब आप थोड़ा वेट करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस शो हो जाएगा। यह आपने क्या करना है, ये सारे जो है आपने यह डीसेलेक्ट करना है इन सब को और आपने इस मैसेंजर को सेलेक्ट करना है। जब आप मैसेंजर को सेलेक्ट करेंगे तो फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है और आपको मिलेंगे एक ऑप्शन जिसका नाम है क्रिएट फाइल। आपने क्या करना है, आपने ऑल अप डेटा पर क्लिक करना है, इसको ऑल अप डेटा करना है या आप इसे डेटा रेंज भी दे सकते हैं, जिस तारीख का आप वॉइस मैसेजेस है या ऐसे भी मैसेज कोई फोटोज़ वगैरह मैसेंजर से जो आपने डिलीट किए हो आप लाना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपने HTML करना है, ये तरीका HTML ये अपनी जगह ठीक है, आपने इसमें HTML करना है, ठीक है, HTML ये ठीक है। जब आप इसको HTML पे करेंगे तो फिर आपने क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपने फिर ये दूसरा ऑप्शन अवेलेबल कॉपीज़, आपने थोड़ा वेट करना है, ये पेंडिंग में रहेगा तकरीबन एक मिनट। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है एक मिनट, आपने वेट करना है। जब आप ये वेट करेंगे तो आपको फिर नज़र आएगा कि आपका जो मैसेजेस वगैरह है वह यह आज ये आप देख सकते योर फेसबुक इंफॉर्मेशन ये जो है वह आ चुका है। यह आप देख सकते हैं फाइल वन ऑफ लेस देन 1 MB जो है आपका वह यह आ चुका है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप दोस्तों को मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।